हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आर्टिकल देखते हैं ऑन द फाइनेंस ट्रैक G20 टू पुश फॉरवर्ड ऑन क्रिप्टो रेगुलेशन MDB रिफॉर्म्स मल्टी लेवल डेवलपमेंट बैंक। ये बहुत बार डिस्कस हो चुका है, अब तो पता ही होना चाहिए। पेविंग वे फॉर द कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल अप्रोच टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसीज इज स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक लीडिंग कैपेसिटी एंड रेप्लिकेट द यूज ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक द इंडिया टू एक्सपेंड फाइनेंशियल इंक्लूजन अराउंड द वर्ल्ड वर सम ऑफ द 10 मेजर आउटकम अचीव अंडर द फाइनेंस ट्रैक ऑफ इंडिया G20 पॉलिसी। ओके, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेड दैट द इंडियन पॉलिसी हैज क्राफ्टेड सॉल्यूशन दैट रेजोनेट विद ईच मेंबर ऑफरिंग अ शेयर्ड पाथ फॉरवर्ड फॉर ऑल एंड लीविंग नो वन बिहाइंड। मेनी एक्शन ओरिएंटेड आउटकम of this presidency contain comprehensive strategies that cater to unique need and aspiration of all developing nations. Discussion on the regulation roadmap for cryptocurrencies and the bolstering of multilateral development bank capacity will continue in Morocco. Important ho jata hai, Morocco kahan hai? Next month when the G20 finance minister and सेंट्रल बैंक गवर्नर विल मीट इन मराकेश। अगेन मराकेश इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर द ऑटम मीटिंग ऑफ द IMF एज वेल एज द वर्ल्ड बैंक। मिस सीतारमन आइडेंटिफाइड लेइंग द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर अ ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो एसेट्स एज अ सिग्निफिकेंट आउटकम। क्लियर पॉलिसी, द ग्लोबल पुश फॉर अ क्लियर पॉलिसी ऑन क्रिप्टो एसेट्स हैज गेन्ड मोमेंटम अंडर द इंडियन प्रेसिडेंसी एंड द ग्लोबल कंसेंसस इज इमर्जिंग ऑन द सेम। मतलब बोला जा रहा है कि भाई अब क्लियर पॉलिसी बता ही दो क्रिप्टो के लिए क्या करना है। कोई उसको कुछ गलत नहीं बोल रहा है, कोई उसको बिल्कुल ही गलत बोल रहा है, कोई अलाउ कर रहा है पर टैक्स लगा रहा है। आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तो उसके ऊपर क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए, वही बात हो रही है। और इंडिया के प्रेसिडेंसी के अंडर में, G20 के प्रेसिडेंसी के अंडर में ये ग्लोबल कंसेंसस यहाँ पे अब लोग बोल रहे हैं कि हमें बताओ। द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्टेड बाय द G20 leaders noted that they continue to closely monitor the risk of the fast-paced developments in the crypto asset ecosystem and endorse the financial stability board recommendation for the regulation, supervision and oversight of crypto assets activities and markets and the global stablecoin arrangements meeting the demand. The G20 leader also reached an agreement on the need for better, bigger and more effective MDB आपको पता है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। बात हो रही है कि उसको और इफेक्टिव और बड़ा होना चाहिए। बिकॉज द डेवलपमेंटल डिमांड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड आर सो हाई द फाइनेंस मिनिस्टर सेड एडिंग दैट दिस विल इन्हेंस द रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन दिस इंस्टीट्यूशन एंड डिसीजन मेकिंग। The endorsement of the G20 roadmap for implementation of recommendation of an independent panel on a capital adequacy framework of the MDB can help them use their existing resources effectively and potentially yield additional lending headroom of approximate $200 billion over the next decade. So India has harness the opportunity provided by the G20 presidency to effectively articulate and embed the priorities to the global south in the larger global conversation on MDB reform, she underlined. She kaun bhaiya, apni Sitaraman tai aur kaun? To dekhte hain kya isme apne liye important ho jata hai. Bahut bar discuss ho chuka hai MDB hamare liye important ho raha hai. Dusra वर्ल्ड बैंक एंड IMF, यहाँ पे ये क्या मीटिंग है आप देखिए, ऑटम मीटिंग। ये क्या है आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक और IMF की। और पहली बात, इसके साथ दो लोकेशन यहाँ पे है, मराकेश एंड मोरक्को। कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, इसमें मोरक्को में मराकेश आता है। पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं, मोरक्को में मराकेश आता है। एंड मराकेश किसी चीज़ के लिए फेमस भी है, तो
ये आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मराकेश की बहुत वेल नोन फेमस है वर्ल्ड वाइड। एंड क्लियर पॉलिसी, यहाँ पे थर्ड चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है, नीड ऑफ क्लियर पॉलिसी ऑन क्रिप्टो रेगुलेशन, क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेशन। ठीक है, यहाँ पे कितना ये अपने इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्ट्रेंथनिंग और डेवलपमेंट ऑफ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, बेटर एंड बिगर डिमांड अराउंड द वर्ल्ड, उसको एड्रेस करेंगे, और 200 बिलियन का उसका वो रहेगा 10 साल का। तो ठीक है, हमने देख लिया है क्रिप्टो एसेट्स इकोसिस्टम जो है। एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड क्या है एक बार देख लीजिएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड क्या है, यहाँ पे ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ। और तो इस आर्टिकल में हमारे लिए ऐसा सच कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता। सो थैंक यू गाइज, एंड वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।